नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 12 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि दशमी है, वार शनिवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942, सूर्य दक्षिणायन में और शरद ऋतु चल रही है। तिथि दशमी रात्रि में 4:15 तक, उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आद्रा दिन में 4:25 तक, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग यतिपाद दिन में 5:34 तक, उसके उपरांत वरियान योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण वनिज दिन में 4:17 तक, उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:15 पर हो रहा है और सूर्यास्त 6:32 पर। भद्रा दिन में 4:16 से रात्रि में 4:15 तक है। दशमी का श्राद्ध आज है, व्रतिपात पुण्य योग आज है, गुरु नानक देव पुण्य दिवस प्राचीन मत से आज है। शुभ का चौघड़िया 7:47 से 9:19 तक है। चर का चौघड़िया 12:23 से 1:55 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए 1:55 से 5 तक है। साथ ही राहु काल वेला 9 से 10:30 तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनके लिए टाला जाना भी संभव ना हो तो नमकीन पदार्थ का आप सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य अपनी स्वराशि के अंदर है और चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर। चंद्रमा मिथुन राशि में होने का अर्थ यह है कि आप व्यवसायगत कार्यों के लिए आपका मन लालायित रहेगा। आप चाहेंगे कि ऐसे कार्य हों जिनसे आपके व्यवसाय में वृद्धि हो। बृहस्पति की चंद्रमा से दृष्टि संबंध होने से आपके मन में आए हुए कार्यों की सही आरंभ और सही अंत होने के अच्छे संयोग आज दिखाई देते हैं और इसके साथ ही धन आने के योगों को भी बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि पुष्ट करती है। जिन कुंडलियों में भी ऐसी स्थिति होती है, बृहस्पति और चंद्रमा से दृष्ट जिनके कुंडलियों के अंदर योग होते हैं वो धनवान लोग होते हैं और उनके पास धन अपने आप आता चला जाता है। तो आज जो जन्म ले रहे हैं लोग उनके लिए भी अपन ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे धनवान व्यक्ति होंगे। बात करते हैं एक और समस्या की। हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं अलग अलग जिज्ञासाओं को लेकर के। आज एक और जिज्ञासा, घर में जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे अपने चीज कर्तव्यों के प्रति और अपने जो भी उनके काम है उनके प्रति उदासीन रहते हैं या पढ़ाई के प्रति उदासीन रहते हैं, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। आज बात करेंगे केवल पढ़ाई की, कर्तव्यों की बात बाद में करेंगे। पढ़ाई के लिए जो लोग जो बच्चे उदासीन है, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद अपने अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते, पूरा ध्यान नहीं देते, और कौन से ऐसे कार्य किए जाए जिनसे उनका ध्यान थोड़ा पढ़ाई की तरफ आए, थोड़ा अपने आप को शिक्षा के प्रति समर्पित करें और लापरवाहियों से बचें। देखिए, आप अगर किसी भी बच्चे की रात्रिकालीन नींद टाइमली और बेहतर कर देते हैं तो उसकी मॉर्निंग अच्छी हो जाती है। तो एक खास ख्याल इस बात का रखें कि बच्चे टाइमली सोएं, और टाइमली सोएं इसके लिए उनका भोजन टाइमली हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो 7, 7:30, 8 तक अगर जो आप अपने बच्चों को भोजन करवा देंगे तो ये स्थिति ये बहुत अच्छी हो जाएगी कि उनके लिए रात्रि में शाम को जैसे ही आप भोजन से पहले एक प्रार्थना का जरूर आप व्यवस्था करें। आप दीपक जलाएं और उन्हें 2 के लिए सही आप प्रार्थना स्थल तक लेकर के आएँ, अपने पूजा के आलय तक लेकर आएँ, घर के अंदर बने हुए उस स्थान तक जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यथासंभव हो, पूर्व में हो, मध्य उत्तर से लेकर के मध्य पूर्व तक अगर ये कहीं भी स्थान बनाएं और इस स्थान तक बच्चों को लेके आ शाम को 7 के आसपास दीपक जला करके और प्रार्थना करने के लिए कहें उन्हें। उसके बाद 8 भोजन, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई और फिर उनको 10, 10:30 तक मैक्सिमम 10:30 तक उनको बिस्तर पर जाने के लिए बोलें। आप देखेंगे चाहे वो सोए नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा उनके बदलाव आने में जीवन के अंदर, लेकिन 10:30 वो अगर बिस्तर पर होते हैं तो वो जल्दी मॉर्निंग में उठ पाएंगे। और अगर आपका बच्चा सूर्योदय के आसपास वो अगर अपनी निद्रा बिस्तर त्याग देते हैं तो आप देखेंगे कि अपने आप उनका दैनिक रूटीन ठीक हो जाएगा। सुबह के 2 अगर आपने 1 अगर बच्चे को पढ़ने के लिए दे दिया तो आप यकीन माने कि वो बच्चे अपनी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ उस समय मन की स्थिति होती है, सूर्य के दर्शन, सूर्य प्रणाम, इसके साथ थोड़ा सा व्यायाम और अंकुरित जो
भोजन है उसमें चना अगर आप बच्चों को देते हैं, आप यकीन माने चना और मूंग अंकुरित करके अगर आप बच्चों के नाश्ते में देते हैं तो बच्चे निश्चय ही एकाग्रता को पाते हैं। और मूंग रिप्रेजेंट करता है बुध का, चना रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति का। ये बृहस्पति आप कहीं छोटी छोटी चीज़ों से उनके भाग्य वृद्धि में बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकते हैं। उनके सोने का कमरा अगर संभव हो तो उत्तर पूर्व में रखें। उन्हें उठने के बाद सूर्योदयकालीन सूर्य के दर्शन करने को ऊपर लेके जाएं। आप देखेंगे इससे सूर्य प्रबल होगा, सूर्य प्रबल होगा तो इरादों में दृढ़ता और अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करने में वो अपने आप स्वयं एक अनुशासित जीवन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से आप एक ऐसी जीवन शैली को विकसित करने में सफल होंगे जो उनको सफलता की तरफ लेके जाए। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। अव्यवस्थित जीवन साथ में आपके सवालों की भी। मेष राशि, आय और व्यय के असंतुलन से तनाव बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। अव्यवस्थित जीवन शैली लाभों को प्रभावित कर सकती है। रिश्तों में आपसी खिंचातान के कारण परिवार का माहौल तनाव भरा होने से जीवन साथी भी थोड़ा सा तनाव में रह सकता है। व्हाइट कलर आज आपको सूट करेगा। दो का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, व्यवसाय में अच्छा लाभ पाने के लिए साथी व्यवसायियों से पुराने विवादों को भुलाना होगा। आपको अपनी बातों को परिवार में सौहार्दपूर्ण तरीके से कहने की स्थितियां बनाएं, इससे चीजें ठीक होंगी। आर्थिक लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें। ब्राइट येलो कलर आज आपको सूट करा। तीन का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, आर्थिक सफलता के लिए भारी परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। अपने स्तर पर की गई सारी सुविधाएं आपको जुटानी पड़ेंगी। जॉब में सैलरी को लेकर के थोड़ा तनाव में रह सकते हैं। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और छह का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। ये सवाल है रमेश कुमार मौर्य जी का। ये संविदा कर्मचारी है, जानना चाहते हैं कि इनके स्थायी होने के योग क्या है। 21/5/1973 और क्या ये उपाय करें, स्थायी कब तक हो जाएंगे। इस विषय के लिए जो आपने डिटेल भेजी है 21/5/1973 ये बताती है निश्चय ही आपको लगातार इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और आगे आपको स्थायी होने के लिए अपनी पहली उंगली के अंदर पुखराज और जो अनामिका उंगली इसमें अगर आप माणक धारण करते हैं आपके योगों में वृद्धि होगी। आप रविवार का व्रत करें, सूर्योदयकालीन सूर्य के दर्शन करें और कम नमक का भोजन करें, या रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें, अन्य दिनों में कम नमक का भोजन करें और सूर्य प्रबल होने से आपको ये ताकत मिलती चली जाएगी। साथ ही साथ आप अपने घर के अंदर जिस कमरे के अंदर आप रहते हैं उस कमरे को बदल करके आप पूर्व के हिस्से में आगे जो पूर्व का हिस्से का जो कमरा है उसके अंदर जहाँ सूर्य का प्रकाश आता है, अगर ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अवेलेबल नहीं हो स्थिति तो आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, सेकेंड फ्लोर पर, जहाँ भी हो सके मध्य पूर्व के अंदर आपको अपना कमरा लेना चाहिए और वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाएं। अगर घर में स्थिति नहीं हो तो आप किराए के मकान तक में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको कमरा ऐसा ही चाहिए जो पूर्वाभिमुखी हो, ऐसा घर चाहिए जो पूर्वाभिमुखी हो और नित्य सूर्योदय के समय आप सूर्य की प्रार्थना करें, ओम आदित्याय नमः। इसका आप अगर नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो ये स्थिति उत्तरोत्तर ठीक होती चली जाएगी, आपकी रुकावटें दूर होंगी। कर्क राशि, पारिवारिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आय बढ़ाने के प्रयत्न करें। अच्छे योग बन रहे हैं, थोड़े परिश्रम से ही सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। लाइट ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, अपने परिश्रम को ज्यादा न आंके, इस वजह से सही मूल्य मिलने में आपको कठिनाई आएगी। प्रेम में साथी के इंतजार के क्षण कठिन होंगे आपके लिए। कल किया गया परिश्रम आज लाभ दे सकता है। पारिवारिक वार्ताएं लाभकारी रहेंगी। रेड कलर आज आपको सूट करा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, काम निर्बाध बनते चले जाएंगे, मन उत्साहित रहेगा, चल रही बाधाएं स्वतः दूर होने के योग बन रहे हैं। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को अपनी पसंद से रोजगार चुनने के अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं। लाइट पिंक कलर आज आपको सूट करा और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है दिनेश जी का। ये जानना चाहते हैं, राजसमंद से इन्होंने पूछा है। 5 अगस्त 1985 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये जानना चाहते हैं कि इनके सरकारी नौकरी लगने के योग कितने
बन रहे हैं। निश्चय ही दिनेश जी, आपके अंदर धैर्य है, जूझने की क्षमता है, इंटेलिजेंस भी है। सरकारी नौकरी के योग 1.5 साल पहले भी आपको मिले थे, उनका क्या हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उससे पहले 2015 के अंदर उसका क्या हुआ, तो बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आगे के योगों की हम बात करें तो अगले 20-22 महीने के अंदर अच्छे योग बन रहे हैं, आपकी तैयारी अगर बेहतर है, भाग्य का समर्थन 30-35% 50% में से आपको मिल जाएगा। अब आपकी तैयारी का प्रतिशत भी अगर यही है तो फिर ये योग मिलता हुआ, ये योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर चाहें तो अपने ओम श्री गणपति नमः इस मंत्र के साथ सुबह आप गणपति का पूजन करें, गणेश जी के मंदिर जाएं, हर बुधवार को और बुधवार का व्रत रख सकते हैं, इससे आपके योगों में वृद्धि होने की संभावना बनेगी। तुला राशि, धन के आने से संसाधनों में वृद्धि के रास्ते खुलते चले जाएंगे। कार्यस्थल और घर पर नवीन निर्माण कार्य कराने की योजना बनेगी आपकी। परिवार में खुशियों से भरी सूचना आपको प्रसन्न कर देगी। ऑन एंड पिंक कलर आज आपको सूट करा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव के कारण दैनिक काम करने का थोड़ा मन कम करेगा आपका। व्यवसाय में नए सौदों के लिए तय की गई वार्ता टल सकती है। धन का आश्वासन थोड़ा बेचैनियां कम करने में सहायक सिद्ध होगा। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनुराशि, केवल शाब्दिक सौदों के लिए अपने धन को निवेश करना ठीक नहीं है। किसी भी सौदे को लिखित रूप में लेना ही सुरक्षित रास्ता रहेगा आज आपके लिए। स्वास्थ्य के प्रति छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ी बन सकती हैं, इसलिए समय रहते सावधान हो जाएं। मैरून कलर आज आपको सूट करेगा, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है, 13 अगस्त 1978 जिनका जन्मदिन है और ये जानना चाहते हैं इनके संतान योग कब होगा और इनकी विवाह की समस्या, जो तनाव है, परेशानियां हैं, वो कब तक दूर होंगी। बिल्कुल इन डिटेल्स के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। अपने अंदर जिद और थोड़ी अगर नकारात्मकता है तो उसको बदलने की आवश्यकता है। अगर ये 2 कार्य आपने अपने अंदर बदलाव ला पाए तो निश्चय ही आपका जीवन सुखमय हो पाएगा। हमेशा आप सही नहीं है, दूसरों को भी उतना स्थान दें, इमोशंस को अपना पूरा स्थान दें। आप चाहें ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो समस्त प्रकार के तनावों को दूर करते हुए आप देखेंगे कि आप एक ऐसे जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं जहां दूसरों की जो तनाव है, दूसरों की ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, परेशानियां, ये सब दूर होकर के आप अपने जो एक सुखद अच्छे वैवाहिक जीवन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, कोशिश करें। साथ ही साथ संध्याकालीन आप नित्य प्रार्थना करने का, अपने घर में दीपक जला करके और नित्य प्रार्थना करने की एक परंपरा डालें और प्रार्थना करें ईश्वर से कि आपके घर में सब समस्त प्रकार के आपको जो गृहस्थ जीवन के सुख हैं वो प्राप्त हो, तो आप देखेंगे इससे ईश्वर का आपको आशीर्वाद मिलेगा और चीज़ें आपके पक्ष में होती चली जाए। मकर राशि, व्यक्तिगत निर्णयों को अपने स्तर पर लेने की छूट आपको मिलेगी। व्यवसाय में नए प्रयोग करने का, साहसिक फैसला लेने का ये समय बन चल रहा है। अध्ययन कार्य में सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। कुंभ राशि, कार्यस्थल पर मिल रही सुविधाओं में कटौती किए जाने से मन थोड़ा अप्रसन्न हो सकता है आपका। संस्थान से मोह भंग होने की संभावना बढ़ रही है। व्यवसाय में परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें आप। बाधाओं के हल अपने स्तर पर खोजने के प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, सूचनाओं के बेहतर उपयोग से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। सीमित संसाधनों में अपनी योग्यताओं से सुविधाओं का निर्माण कर परिवार में निर्णायक भूमिका निभाने के योग बन रहे हैं। आपके लिए शुभ रहने वाला। अगला सवाल है, 25-10-1986 डेट ऑफ बर्थ है जिनका, इन्होंने पूछा है कि इनके सरकारी नौकरी के चांस कितने हैं और नहीं तो इन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल अच्छे योग हैं सरकारी नौकरी के, साथ ही साथ में
आपके अंदर बहुत अच्छी मिलनसारिता, विद्वता, ये सब आपको प्राप्त है पहले से ही। तो जॉब अगर नहीं भी मिलती है तो भी आपकी आर्थिक स्थिति कोई कमज़ोर नहीं रहने वाली है, बहुत ऊंचे दर्जे के आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना से युक्त आपके ड्रिल्स हैं। तो कोशिश करें, अगले 18 महीने में अगर आपको जॉब मिलता है तो ठीक, नहीं तो आप अपने व्यवसाय की तरफ मुड़ जाइए और देखें कि कितनी जल्दी आपको सफलताएं मिलती चली जाती हैं। आटे का दीपक बना करके, मिट्टी के दीपक की जगह आटे का दीपक बना करके, उसमें दीपक जला करके हर पूर्णिमा को अगर आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्त प्रकार के तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, परेशानियाँ, आपके मानसिक तनाव, अन्य लोगों से मिलने वाले तनाव, ये सब दूर होंगे और माँ महालक्ष्मी की कृपा से आपकी चीज़ें, व्यवसायगत जो तनाव है वो दूर होकर के आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और बहुत अच्छे डिटेल से आपके कुछ अच्छा धन और अच्छी प्रतिष्ठा आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है अगले समय के अंदर। कोशिश करके देखिए। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में।